लायन सफारी तो आप नहीं संभाल पा रहे ना, एनिमल सफारी संभाल रहे हो, कम से कम सांड सफारी कर करके सांडों को तो संभालो। आपके समय में ये बूचड़ खानों के हवाले होता था, हमारे समय में यही पशुधन का पार्ट बना हुआ। हम आए दिन सोशल मीडिया पे या अलग तरीके से वीडियो देखते हैं कि किस तरीके से सांड ने गली में आकर के किसी बच्चे को, किसी महिला को, किसी बुजुर्ग को उठा करके फेंक दिया। यही ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी का सपना है क्या? यही नेता सदन के बगल में बैठे अमेरिका में देख करके आए थे क्या? यही देखा था आपने अमेरिका में कि सांड सड़कों में घूम रहे हैं? आप पर बजट है, क्यों नहीं पकड़ते आप इनको? इसमें कौन सा आपका पैसा खर्च हुआ जा रहा है वित्त मंत्री जी का? हाँ पकड़िए, आपकी योजना चल रही है, इकट्ठा रखिए उनको, क्यों नहीं रख रहे हैं? और नहीं मानते कहीं आप अपने ही जिले में एक सांड सफारी बना लो, किसने रोका है आपको? और क्या सांड सफारी बनाए, हम लोग एनिमल सफारी बना रहे हैं, टाइगर सफारी बना रहे हैं, लायन सफारी बना रहे हैं। इनको ये अच्छी नहीं लग रही है बात, मैं इसलिए कह रहा हूं कि बात डाइवर्ट होती जा रही है। लायन सफारी तो आप नहीं संभाल पा रहे ना, एनिमल सफारी संभाल रहे हो, कम से कम सांड सफारी कर करके सांडों को तो संभालो। अगर भारत की खेती की बात होती है तो नेता विरोधी दल, उसके साथ बाड़ी शब्द भी जुड़ता है, पशुपालन भी उसका पार्ट है। और जिस सांड की आप बात कर रहे हैं ना, ये सांड भी उसी का हिस्सा है। आपके समय में ये बूचड़ खानों के हवाले होता था, हमारे समय में यही पशुधन का पार्ट बना हुआ है। और इसीलिए उस सच्चाई को आपको स्वीकार करना चाहिए कि आप अपनी विफलता को छुपाने के लिए, कुछ पेपर की कटिंग थी लगता है कि होमवर्क करते समय शिवपाल जी ने कुछ पुरानी कटिंग भी बीच बीच में रखवा दी, क्योंकि ये तो इतिहास गवाह है कि जब परिवार में सत्ता का संघर्ष आगे बढ़ता है तो कुछ ना कुछ चीजें तो सामने आएंगी। और पुराने जो है अनुभवी नेता हैं, शिवपाल जी तो इतना पापड़ बेले हैं तो कुछ तो सामने आएगा, कुछ तो परिणाम सामने आने चाहिए। और शिवपाल जी आपके प्रति हमारी बहुत शान होती है, आपके साथ अन्याय हुआ है हम जानते हैं। और इसीलिए आपके साथ ये लोग न्याय करेंगे नहीं, फिर भी आपकी कीमत को समझेंगे नहीं,